हाय गाइस वेलकम, मेरा नाम है दीपक। तो अभी दो तीन दिन पहले पुणे से दिल्ली एक फ्लाइट आई थी, लेकिन कोई बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट ये नहीं थी। इंडिया में और एविएशन सेक्टर में एक काफी बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है, रेलवेज में भी, वो ये कि डीकार्बोनाइजिंग करना है हर जगह का। क्या मतलब हुआ इसका कि पोल्यूशन वगैरह जो क्रिएट होता है ना इंडिया में, रेलवेज के अंदर, एविएशन सेक्टर के अंदर या इंडिया के अंदर ओवरऑल, इसको खत्म करना है। ये सुनने में भले ही लगे कि नामुमकिन सा काम है, क्योंकि हर जगह पे आपको कार्बन मिलेगा, रोड्स में चलती गाड़ियों से लेके बिजली के प्लांट में कोयले से बिजली बनाने तक। लेकिन हर एक सेक्टर में इसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। गाड़ियों की बात करें तो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, एथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है पेट्रोल की जगह। इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात करें तो सोलर फार्म्स, विंड फार्म्स, इनसे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। रेलवेज में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है बड़ी तेजी से। और इसी बीच एक सेक्टर है और वो है एविएशन, जहां अभी कुछ दिनों पहले पुणे से दिल्ली आ रही एक कमर्शियल फ्लाइट में पहली बार इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंड का इस्तेमाल किया गया। एक तरह से फ्यूल है जिसका पूरा नहीं इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिशनल फ्यूल में इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, लेकिन इसके कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत ही कम होते हैं, यानी कि ये कम पोल्यूशन क्रिएट करता है, काफी कम। और सबसे बढ़िया बात देखो, इंडिया में प्रज्वल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इसको प्रोड्यूस किया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सप्लाई किया, और इस्तेमाल में किसने लिया, एयर एशिया ने। यानी शुरू से लेकर आखिर तक का सारा काम घर पे बैठे बैठे ही कर लिया हमने, बाहर ना कोई तकनीक ना किसी देश की जरूरत पड़ी। ये वैसे एक डेमोंस्ट्रेशन की तरह ही किया गया था कि बस देखना है कि कैसे काम करता है ये। तो इसमें ऐसे सिर्फ 1% ही ब्लेंड किया गया था, तो लगभग 14 करोड़ लीटर हमें SAF लगेगा हर साल। सिमिलरली और ज्यादा अगर टारगेट लेके चलते हैं, जैसे मान लो 5% का, तो भाई लगभग 70 करोड़ लीटर के आसपास लगेगा पर ईयर। SAF की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पिछले कुछ सालों में बहुत ही तगड़े तरीके से बढ़ी है। मतलब जैसे ट्रेडिशनली जेट फ्यूल्स होते हैं ना, तो उनके मुकाबले SAF ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, फॉरेस्ट्री रेसिड्यू, इन सबसे मिलकर बनता है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के मामले में ये 80% तक कम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करता है। अभी शुरुआत में ये लगे कि छोटी चीज है, लेकिन टाइम के साथ काफी इफेक्टिव होगा ये फ्यूचर के लिए। और इंडिया का जो टारगेट है कि 2070 तक कंप्लीट कार्बन फ्री होना है, डेफिनेटली उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी आपको कुछ कहना हो इस बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। एक बिल्कुल नया इनिशिएटिव और एक बिल्कुल नया स्टेप है इंडिया के एविएशन सेक्टर में, होप सो एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आए फ्यूचर के लिए। मिलूंगा फिर से एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।